इस देश का किसान ही गांव गली में बैठा है, जो किसान खेत में बैठा है, घर में बैठा है, कल की तैयारी में बैठा है। गांव में किसान पंचायत कर चुका है अपने अपने गांव में, कल मुझे रोड पर निकलना है और भारत को बंद करना है। भारत इसलिए बंद कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। वेतन पर काम करने वाले कपिल मिश्रा ये बड़ुआगिरी वहाँ स्टूडियो में बैठे कर रहे हैं। किसान में कभी जानते हैं कि एक 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 किलो गेहूं कैसे पैदा होता है, कितना पानी लगता है, कितना फर्टिलाइजर लगता है? ये प्रैक्टिकली बात है ना, ये मुझे पता है। वहाँ बैठ गए, वो आ जाए बंद करवाने के लिए, तब उन्हें हम बताएंगे कल कैसे। और कल मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, आप आइए यहाँ कवरेज करने के लिए। ये कल कोई भी लाइन खुली नहीं होगी यहाँ पर, अभी दिखा दो अभी चालू है। और कल यहीं आके आप मेरा दोबारा से मेरा फिर इंटरव्यू ले लेना आके, तब ये लाइनें बंद होंगी। ये लाने कल बिल्कुल बंद होंगी, आज भी बंद होंगी, बिल्कुल बंद होंगी, बंद होंगी। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वो प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ देना चाह रहे हैं। मैं आपको गांव की स्थिति बता दूं, शायद आपको पता भी होगा, प्राइवेट नौकरी करने वाले लड़के की तो गांव में शादी भी नहीं होती। बताओ, सरकारी टैंक मांगते हैं जो सबको कुंवारे थोड़े रखना है। सरकार जैसे पहले चल रही वैसे ही चलने, तो हमें तो सरकारी नौकरी करनी, हमने प्राइवेट करनी नहीं। जी जी बिल्कुल। तो हमारे ऊपर थोपना क्यों चाहते हैं? सरकार तो पूरा प्राइवेट कर दिया। तो फिर नौकरी वो तो अपने जैसा करना चाह रहे हैं ना। मेरी शादी हो नहीं रही, इनकी होने नहीं देनी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ भैया, पूरा देश बर्बाद करके रख दिया नरेंद्र मोदी ने। मैं हर एक चीज और बता दूं, मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूं। मेरी शकल ढंग से देख लेने नरेंद्र मोदी और योगी भी, मैं डरता नहीं योगी से। मान सम्मान हम भी करते थे नरेंद्र मोदी जी का, वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को जब पहली बार जब चुनाव हुए हैं 2014 में। हिंदुस्तान के किसान को दबाने के लिए सरकार किसान के काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है और एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। एमएसपी कौन देता है? सरकार देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल का सबसे कम रेट देती है, और वो भी किसान को नहीं मिलेगा तो इस देश का किसान घाटे में नहीं जाएगा, तो क्या फायदे में जाएगा? आमदनी दोगुनी कैसे होगी? 6,000 रुपया दे तो रही है सरकार। 2,000 रुपए से क्या होता है? किसी ने मांगा उनसे? एक मिनट बताइए, देश के एक भी किसान ने उनसे 2,000 रुपए नहीं मांगा है? अरे जो मांगा है वो तो दे रहे हैं, जो वो तो दे नहीं रहे। जो नाम नहीं मांगा वो क्यों दे रहे हैं? मुझे 2,000 रुपए पहले ले, ये काले कानून वापस कर लें और सरकार को एमएसपी कानून के दायरे में ला के गारंटी दे दें, मंडी के बाहर और मंडी के अंदर। हैदराबाद में चुनाव हुए, उसके लिए यहाँ पे लोग लठियां खा रहे हैं, डंडे फरसाद हो रहे हैं, उन पर विचार करी जा रही है। और वो जो है अमित शाह जो है, यहाँ से टाइम यहाँ के लिए टाइम नहीं है, और वहाँ के लिए टाइम मिल गया, वहाँ पे वो चले गए टाइम के लिए, उनके वहाँ के लिए टाइम है। किसान के लिए जिसका अन्न रोटी खा रहे हैं, जो पेट में भरते हैं अपने, जो किसान कमा के देता है, टाइम नहीं है उसके लिए, टाइम नहीं है इनके पास। ये देश के हालत है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के। वही चीज कर किसान ने नहीं कहा है, ना किसी ने पार्टी ने नहीं कहा है, ये तो अपनी तानाशाही से बिल पास करा है, किसी किसान ने नहीं किया है, ये जबरदस्ती करा गया है। और किसान कल इसको नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे, तेरी औकात क्या है? बिल्कुल, ये हल्के में ले रहा है किसानों को। आज अगर प्रधानमंत्री बनाया, किसकी बदौलत बनाए? सबके मिलके बोले किसान की बदौलत बनाए। सबसे ज्यादा किसान वोट करता है नरेंद्र मोदी को। कौन वोट करता है? किसान वोट करता है। और किसान को मिला क्या कि यहाँ रोड पे ये बेचारे भूखे नंगे पता कैसे कैसे किसी हालत में पड़े हैं, और उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। वो किसान का लेते, मैंने किसान के लिए अच्छा कर दिया। 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, 6-6.5 साल आज तक देश में किया क्या? जो भी चीज हुई वो बेची। और आपने एक बात ये कही है कि कल क्या होगा, वो सब कल सबको पता लग जाएगा कि कल होगा क्या, वो समय बताएगा कि कल होगा क्या, नया क्या बनाया। वो जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, कल हम उसे बताएंगे हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, हमारी ताकत क्या है, किसान एकता क्या है, कल वो हम बताएंगे नरेंद्र मोदी और योगी को कि क्या चीज ये होती है क्या नहीं, हम उसको दिखाएंगे उसकी औकात क्या है नरेंद्र मोदी की। जब से ये कानून लागू किए सरकार ने, पहले तो अध्यादेश लाई, फिर उसको संसद में पारित कर दिया, और जब ये वास्तविकता में कानून बन गया तो वो चीज मैंने देखी कि मंडियों में जो एमएसपी मिलता था किसानों को, वो उसका है ना 50% कम हो गया। अगर कोई किसी भी फसल का एमएसपी 1800 था, वो फसल 800, 900, 1000, 1100 रुपए पर रह गई। जबकि एमएसपी भारत सरकार बहुत पहले से लागू किए हुए है। शांता कुमार की रिपोर्ट 2014 में ही 13 में बता चुकी है कि
पूरे हिंदुस्तान के मात्र 6% किसानों का जो प्रोडक्ट है वो मात्र 6% किसानों का प्रोडक्ट जो है वो MSP पे खरीदा जाता है। 94% आज भी किसान खुले बाजार में आढ़तियों के माध्यम से मंडियों में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब ये कानून बन गया, कानून बना दिया, तो इसके मायने ये रह गए कि जो MSP थी उसका 50% सीधा हम घाटे में चले गए। दिल्ली में जो कंडीशन उसने कराया है, क्या कराया, वो अपने पहले अपने गिरवान में जाके फिर वो बताए कि क्या होगा। और वो तो कल पता लग जाएगा उसे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल पता लगेगा। वो तो किसान जब आंदोलन अपना करेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, 101% सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में, तो आप कैसे सरकार झुकेगी भैया? दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा, वो तो सुबह पता लगेगा ना कि कहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार को ये नहीं पता कि किसान क्या चीज़ है। किसान ऐसी चीज होता है कि किसान को एक एक रस्ते का पता होता है, वो जंगल में से है, कहीं से है निकल के, वो कल में आकर वो दिल्ली में मिलेगा आपको। और मैं किसी से डरता नहीं, नरेंद्र मोदी मुझे खाने को नहीं देता, योगी मुझे खाने को नहीं देता, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ और खा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी मुझे नहीं देता है, नरेंद्र मोदी ने तो ये कर दिया। किसान बेचारा, एक आदमी जो हमारा अन्नदाता है, उसे बेचारों को आज नौबत में डाल दिया कि बेचारा धरना प्रदर्शन कर रहा है बैठ बैठ के ठंड में, और खुद जो है गाड़ियों में बैठ बैठ के, एसीओ में बैठ बैठ के रोटियां खा रहे हैं बैठ बैठ के। किसकी दौलत खा रहे हैं? किसानों की वो दौलत खा रहे हैं। आज देश में अगर किसान ना हो तो वो रोटी खा लेगा क्या, सोना खा लेगा, चांदी खा लेगा, ये बताइए मुझे। आज योगी भी ऐसे है, मोदी भी ऐसे ही है, दोनों सेम ऐसे ही है। आज पूरा देश बर्बाद करके रख दिया, लूट के रख दिया। अंबानी अडवानी सारे को उनको आ रहे हैं, वो लोग जो इतना पैसा ले लेके भागिए हैं, यहाँ से भागिए तो उनको लाओ ना वापस। 15-15 लाख रुपया देंगे, वो देंगे, उनके क्या दिया आज तक? कुछ नहीं दिया है। और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में रोजगार खत्म कर दिए हैं सबके, क्या नहीं करा उसने? तैयारी हमारी सब तैयारी होती है, हम बिना तैयारी थोड़ी करते हैं। हम फसल भी लगाते अपने खेत में, तो मुझे पता है कि इसको काटने के बाद में हमें ये वैरायटी बोनी है, फिर ये पानी लगाना है, ये खाद डालनी है, ये इंसेक्टीसाइड हर्बिसाइड वीडिसाइड, तो मुझे हल निकलेगा, मेरी सारी तैयारी हल इतना निकलेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सरकार अभी ये समझती है कि हम पावरफुल हैं, हम सत्ता में, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो वहाँ बैठे हैं वो मेरे पावर से, मेरे मत से, मेरे वोट से बैठे हैं। तो उन्हें कल अगर मेरी ताकत देखना चाहते इस देश का किसान क्या, तो उन्हें समझना चाहिए कि इस देश के किसान की ताकत वो 22 मार्च से आज तक कोरोना पीरियड काल में ही देख लेते कि सारी GDP देश की 24% माइनस में चली गई, केवल खेती किसान एक धंधा ऐसा रहा जो 3.5 पॉजिटिव रहा, प्लस में रहा। तो वो जो कारपोरेट जगत की इस पर नज़र है कि ये बड़ा गेम का धंधा है, बड़ा फायदे का सौदा है, इसलिए ये सरकार कारपोरेट घरानों का, उद्योग जगत का भला करने के लिए और किसान को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाई है, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। सरकार जो बोलती है ठीक उसका उल्टा होता है। सरकार बोलती है 15 लाख मिलेंगे, नहीं मिला। सरकार बोलती है नोटबंदी से फायदा होगा, नहीं होगा। सरकार बोलती है 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नहीं मिला। तो मैं सरकार की बातों पे कतई भरोसा करने वाली अब किसान कौम नहीं रह गई, कोई भी भरोसा कर ले। हमें सरकार की बातों पे कतई रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। एट लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि सरकार को ये कानून किसी भी हद तक हम लोगों को जाना पड़े, वापस दिला के ही यहाँ से हटेंगे वापस। पता क्या, ये जितने भी लोग हैं ये सारे सरकारी लोग हैं, इनको बोलिए ना 2 दिन आके प्रदर्शन करें ना, सड़क पे बैठे, पता लगेगा ना भारत बंद क्यों किया जा रहा है। इनको पता होना चाहिए ना, बस ये सरकारी लोग हैं, ये ऐसी ही बातें करते हैं। देखो वो सरकार तो कहेगी ना, अभी तो थोड़ी देर पहले तो सरकार तो जो है हमारे को आतंकवादी बोल रही है, खालिस्तानी बोल रही है। कहाँ से हम खालिस्तानी लगते हैं? आज इस जगह पे जो इतने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो लंगर चल रहे हैं, इसमें शाम के टाइम जो पंगत लगती है, आप आके देखिए ना ऊपर NH24 में हज़ारों लोग बैठे होते हैं। इसमें कौन से धर्म का बंदा नहीं बैठा होता? इसमें सिख भी होते हैं, इसमें मुसलमान भी होते हैं, इसमें हिंदू भाई भी होते हैं, इसमें बोधी भी होते हैं, सारे होते हैं, कोई जातपात ही नहीं है। देखो सरकार को अपना अड़ियल जो रवैया है इसको चेंज करना चाहिए, बस और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। देखो मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ये जो लड़ाई है हमारी बिलों के खिलाफ, वो गवर्नमेंट BS फार्मर्स है,
यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति जो अपनी चमका रहे हैं, जिनकी चमकनी है वो चमकाए। मुझे किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट और समर्थन नहीं चाहिए। किसान अपने आप में सक्षम है, कैपेबल है, हमारा लठ कलेक्टर है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कौन है? खेती करते हैं क्या? उनके खेती होती है क्या? लाओ मेरे से डिबेट करा दो, उनको बता दूँ, मैं पूछूँ बाजरा में, बाजरा का एक एकड़ में कितना बीज पड़ता है बताएं तो, गेहूं का एक एकड़ में कितना बीज पड़ता है। अरे दिल्ली में बैठ के बकचोदी करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी कड़ाके की ठंड में आप बम्बे का पानी लगा के देखें, इनको नानी का दूध याद आ जाएगा। नहीं, उनके पास क्या सबूत है कि हम विपक्ष के कहने पे आए? अरे हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना फसल का वाजिब मूल्य चाहिए, हम वो लेने के लिए आए, अपनी बात कहने के लिए आए। इस देश का किसान कोने कोने से आ रहा है, अपना डीजल खर्च कर रहा है। अगर इनको पता होता, गोदी मीडिया, अगर ट्रेनें चल रही होती तो इस देश का लगभग 30% किसान दिल्ली में होता आज। देखिए अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी अपने अपनी ऑफिस तक काबिल है। वे कभी किसान के खेत में गए? कभी जिंदगी में मैंने उनका वीडियो किसान के खेत का नहीं देखा। तो किसान का दर्द वो क्या जाने? आप हो किसान के बेटे, आपको पता है किसान का दर्द क्या है? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कपिल मिश्रा जी को कि जिस किसान, ये जो किसान देश की सरहदों पे और देश के ये राज्य की सरहदों पे बैठा हुआ है, ये जो अन्न पैदा कर रहा है, वो अगर ना खाए ना उस अन्न को, अगर उससे बगावत करनी है, वो कह रहे हैं कि देश इस कोरोना काल में जिस किसान ने पूरे देश को अन्न दिया, आज उसे वो अगर अपने हकों के लिए इस सड़कों पे उतरा हुआ है तो उसको कह देते हैं, कभी वो आतंकवादी कह देते हैं, कभी खालिस्तानियों का नाम दे देते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, कपिल मिश्रा जी अपनी सूझबूझ को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। ये जो आप अन्न खाते हो और खाकर ये स्टेटमेंट देते हैं, वो किसान ने पैदा किया है, किसी और ने पैदा नहीं किया है। किसान के बारे में कभी देश के, जिसने इस देश को खड़ा किया है, उसके बारे में कभी भी आप गलत नहीं बोलना। जब पूरे देश का 80% किसान इस बिल की वजह से बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, हम कहना चाहते हैं अगर वो दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं, वो उन्हें पता है कि अगर ये किसान इस देश चल के आया, हजारों किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुँचा है, वो अगर परेशान है तो इसलिए वो सरहदों पे बैठा है। अगर कोई ज़्यादा परेशान है तो उनको हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी आम पब्लिक से किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी क्या ये किसान जो ठंड में सारी रात सड़कों पर बैठता है, क्या वो खुशी के मारे यहाँ बैठा हुआ है? मैं आपके चैनलों के माध्यम से सीधा कहना चाहता हूँ सरकार को कि ये किसान जो अन्नदाता ठंड में ये सड़कों पे खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, इसके लिए आप सोचिए और इस बिल को रद्द कीजिए।